जिसके बाद वहां मौजूद लोग पुलिस की मार से बचने के लिए सुरक्षित जगह तलाशने लगे, लेकिन पुलिस लोगों पर रहम करने के मूड में नहीं दिखी। जिसके बाद उसने नीलक्कड़ बेस कैंप के आसपास मौजूद इमारतों का रुख किया, जहां लाठीचार्ज की वजह से प्रदर्शन कर रहे लोग छिप गए थे। पुलिस ने एक एक कर प्रदर्शनकारियों को घसीटकर बाहर लाना शुरू किया, जिसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उन लोगों को पकड़कर गाड़ी में बैठा दिया। इस हंगामे की वजह से अयप्पा के दर्शन के लिए पहुंची कुछ महिलाएं भी घायल हो गई, जिनको पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। कुछ हिंदूवादी संगठनों के हंगामे और पुलिस की कार्रवाई की वजह से श्रद्धालुओं के कदम भी कुछ देर के लिए थम गए, जबकि पथराव और लाठीचार्ज की वजह से 5 श्रद्धालु और 15 पुलिस वाले घायल हो गए, जिसके बाद केरल सरकार ने इस हिंसा के लिए RSS को जिम्मेदार ठहरा दिया। केरल सरकार ने एक बार फिर दावा किया कि वो किसी को कानून अपने हाथ में लेने और श्रद्धालुओं को सबरीमाला आने से रोकने नहीं देगी। इससे पहले सबरीमाला मंदिर की तरफ से बढ़ रही एक महिला को रोकने के लिए एक अयप्पा भक्त उनके पैर छूने लगा। 41 दिन तक उपवास रखने के बाद आंध्र प्रदेश से नीलक्कल पहुंची ये महिला अपने परिवार के साथ अयप्पा के दर्शन करने पर अड़ गई, जिसके बाद वो पहाड़ी पर मौजूद सबरीमला मंदिर तक पहुंचने के लिए अपनी फैमिली के साथ चढ़ाई करने लगी। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद माधवी का रास्ता कुछ अयप्पा भक्तों ने रोक लिया। 40 साल की माधवी अपने बच्चों का हाथ थामे मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। इस दौरान उनके बुजुर्ग माता पिता भी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगे, जिस पर अयप्पा भक्तों की भीड़ में एक आदमी उनके साथ चलने लगा। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए माधवी से अपना इरादा छोड़ने की अपील की, हालांकि फिर भी माधवी ने चलना नहीं छोड़ा, जिस पर वो उनके पैर पकड़ने लगे। माधवी ने उसको ऐसा करने से रोका। सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर अयप्पा समर्थकों के विरोध से माधवी के दोनों बच्चे डर गए, हालांकि फिर भी माधवी ने मंदिर की तरफ बढ़ना नहीं छोड़ा। जबकि माधवी के पिता बेटी के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ने का हौसला देते रहे। इस बीच सबरीमला मंदिर के दर्शन के लिए आने वाली महिलाओं की सिक्योरिटी में तैनात पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिन्होंने आंध्र प्रदेश से केरल आई माधवी के आसपास हाथों से सुरक्षा घेरा बना दिया, जिससे वो सुरक्षित आगे बढ़ सके। हालांकि इस दौरान भी माधवी तक पहुंचने के लिए कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद माधवी अपनी फैमिली के साथ सड़क के किनारे ही बैठ गई, जहां उन्होंने सबसे पहले अपनी बोतल से पानी पिया। इस दौरान अयप्पा भक्तों के विरोध की वजह से माधवी की बेटी फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद अपने रोते बिलखते बच्चों के साथ माधवी ने एक बार फिर अपने कदम बढ़ाए। इस दौरान कुछ पुलिस वाले मजबूती से उनके साथ डटे रहे। पुलिस का ऐसा सख्त रुख देखकर कुछ अयप्पा भक्त वहां धरने पर बैठ गए, जिस पर कुछ पुलिस वाले उन्हें समझाने में जुट गए। लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठनों के इस विरोध के बाद माधवी ने मंदिर में जाने का फैसला बदल दिया। इस तरह अयप्पा के दर्शन करने पहुंची महिलाओं को ही नहीं झेलना पड़ा, बल्कि कुछ महिला पत्रकार भी हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गई। उनसे जुड़े लोगों ने न्यूज 18 की टीम का रास्ता रोक लिया और उसमें बैठी रिपोर्टर राधिका से गाड़ी से बाहर आने की जिद करने लगी। इस पर हमारी रिपोर्टर राधिका ने विरोध जता रहे लोगों को मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिस पर अयप्पा भक्तों का गुस्सा और भड़क गया। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर राधिका से बाहर आने की जिद करने लगे। पुलिस के रोकने के बाद भी कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमला बोल दिया। भीड़ ने गाड़ी पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। अयप्पा भक्तों के इस हिंसक विरोध के दौरान वहां मौजूद पुलिस न्यूज 18 की टीम को सिक्योरिटी नहीं दे पाई, जिसकी वजह से गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा।